मैं कलीपुरी जी से निवेदन करूंगी कि वो इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से राष्ट्रपति जी को स्मृति स्वरूप भेंट प्रस्तुत करें। और अब बारी है आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2024 की। विजेताओं के नामों की घोषणा की शुरुआत अब हम करते हैं, क्योंकि आज का दिन आपका है। जो पहली श्रेणी है उसकी घोषणा करने से पहले मैं निवेदन करूंगी, अगर राष्ट्रपति जी कृपया आगे आकर उन्हें पुरस्कार ग्रहण करने के लिए अपनी जगह लें। जो पहली हमारी श्रेणी है वो है आज तक साहित्य जागृति उदयमान लेखिका सम्मान 2024। विजेता है सुश्री सिनीवाली। सुश्री सिनीवाली को ये सम्मान उनकी कृति हेति सुकन्या अगथ कथा के लिए दिया जा रहा है। भारतीय पौराणिक पात्र महर्षि च्यवन की सर्वांग सुंदरी युवा पत्नी सुकन्या पर केंद्रित ये उपन्यास अपने कथन और भाषा में अनूठा है। सुश्री सिनीवाली, आपको बधाई और शुभकामनाएं। अगली श्रेणी आज तक साहित्य जागृति उदयमान लेखक सम्मान 2024 के विजेता हैं अमरेश द्विवेदी। पत्रकार लेखक श्री द्विवेदी को यह सम्मान उनकी कृति रंग पुटुसिया के लिए दिया जा रहा है। झारखंड के कस्बाई माहौल पर आधारित है उपन्यास, हमारे समाज उसके संघर्ष और सपनों के बदलने की भी तस्वीर है। बहुत बहुत बधाई आपको भी। आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा प्रतिभा सम्मान 2024 के विजेता हैं श्री भरत खेनी। श्री खेनी को यह सम्मान उनकी कृति राजा रवि वर्मा के लिए दिया जा रहा है। ये पुस्तक गुजराती भाषा में प्रकाशित है। ये कृति भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई खेनी जी। अब अगली श्रेणी की बारी है जिसमें आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान 2024 के विजेता हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र जी के को ये सम्मान उनकी कृति गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी के लिए दिया जा रहा है। गुलजार साहब की ये जीवनी लेखक की वर्षों की मेहनत का प्रतिफल है और आज ये संयोग है कि गुलजार साहब भी हमारे बीच यहीं पर मौजूद है। बहुत बधाई यतीन्द्र जी आपको। आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा सम्मान 2024 के विजेता हैं श्री प्रदीप दास। उड़िया कथाकार हैं श्री दास को यह सम्मान उनके उपन्यास चरु चीवर और चर्या के लिए दिया जा रहा है। उड़ीसा के उड़िया की इस कृति का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, सुश्री सुजाता शिवेन ने किया है। 8वीं सदी में उड़ीसा पर लगभग 200 वर्षों तक शासन करने वाले भौमकर राजवंश की ऐतिहासिक गाथा है। आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान 2024 के विजेता लेखक हैं श्री शिवमूर्ति। कथाकार शिवमूर्ति को यह सम्मान उनके उपन्यास अगम बहे दरिया के लिए दिया जा रहा है। कल्याणी नदी के कंठ पर बसे बनकट गांव की यह कथा देश के आम किसानों की जीवन गाथा है। आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान 2024 की विजेता हैं सुश्री उषा प्रियंवदा जी। आप कई दशक पहले अमेरिका में बस गई थी पर आपके जीवन से हिंदी और भारत का प्यार नहीं छूटा। ये उपन्यास भारत से परदेसी भूमि तक फैले प्रेम के मन और आत्मा के एक होने की कहानी है। उषा प्रियंवदा जी, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं।